लगातार एक बिग ब्रेकिंग न्यूज है आपके बीच और वो लेके इसलिए आगे बढ़ रही है क्योंकि बड़ा धमाका देने वाली न्यूज है। धमाका इसलिए भी क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले हमने एक स्टोरी डाली थी जिसमें हमने बताया था किस तरह मोदी और अरुण जेटली दबाव बना रहे थे रिजर्व बैंक के ऊपर उनका 20% पैसा यानी कि 3.5 लाख करोड़ रुपया सरकार के हवाले करने के लिए। उर्जित पटेल ने इस बाबत उनसे मना कर दिया था, क्लियर स्पष्ट मना कर दिया था कि ये वो धन है जो जरूरत में काम आएगा, इसको मैं नहीं दे पाऊंगा। और आज हुआ क्या, आज वो हो गया जो देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। रघुराम राजन के बाद आज उर्जित पटेल, वही उर्जित पटेल जिसको अपनी पसंद का छांट के लेके आए थे नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली, उन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया। अपने पद से रिजाइन करते वक्त उन्होंने कोई ऐसा आरोप सरकार पर नहीं लगाया, लेकिन रिजाइन हो चुका है दोस्तों। ये कुछ ट्वीट मोदी जी ने भी किए, अप्रिशिएट किया उनके योगदान को, सारे कुछ को, लेकिन इस पर्दे के पीछे की कहानी जो भी है वो छुपी हुई है, आएंगी बहुत जल्दी सामने। और जिस तरह की अरविंद सुब्रमण्यम ने खुलासा किया था नोटबंदी के बारे में, जो एक गलत फैसला सरकार ने लिया था, उस तरह के फैसले को भी शायद हो सकता है आने वाले दिनों में एक नई किताब हमें पढ़ने को मिले, देखने को मिले और सुनने को मिले। बयान भी देखने और सुनने को मिल सकते हैं कि उर्जित पटेल भी अपनी सफाई देश के 125 करोड़ लोगों के सामने रखें कि इन लोगों का गेम प्लान था क्या। तो दोस्तों उर्जित पटेल का इस्तीफा हो चुका है और उससे संबंधित कुछ ट्वीट्स और उनका खुद जो इस्तीफा है उसकी कॉपी हमारे पास है, वो हम डाल रहे हैं, वो जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। और ये वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए क्योंकि अभी किसी मीडिया ने ये आपको दिखाया नहीं होगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।